आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इसमें से करेक्ट वाला क्या है हमें वो बताना है। पहला दे रखा है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, के सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी ग्रोथ देखी जा सकती है। देन सेकेंड है, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। अब यहाँ पर हमें बोला है कि प्लांट्स अप टू सर्टेन स्टेज तक ग्रो करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज प्लांट्स जब तक ग्रो करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। देन ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम इनसाइड। हाँ, ये चीज़ सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है और वो इनसाइड होती है, मतलब अंदर की साइड से होती है, हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म जो चलता है वो भी इनर साइड से चलता है, उसके थ्रू ही ग्रोथ होगी, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस मतलब सभी सही है तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ए और बी तो इनकरेक्ट है, तो डी वाला भी इनकरेक्ट हुआ। देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन इज सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।